आज सिर्फ रेस्ट डे है, बॉडी रेस्ट डे है। कल सारा दिन पामुकाले और उसके साथ दो तीन और लोकेशंस पे गए थे और उधर इतना चले हैं, इतना चले हैं, इतना चलेंगे जिसकी कोई इंतहा। एक दिन अर्ली मैं सोया भी नहीं हूँ। उसके बाद नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे सुबह 5:30 पे हमने निकलना था होटल से। बस ने पिकअप किया, वहाँ से निकले हैं। 16 घंटे का ट्रैवल था, एक तो पहले ट्रैवल प्लस सारी लोकेशंस पे जाना एंड एवरीथिंग। तो उसके अंदर वॉक सबसे ज्यादा थी, तो वॉक करने की वजह से क्या हुआ, थकावट अनेवाह हुई। तो आज बस यही प्लान किया कि आज का दिन सिर्फ रेस्ट करते हैं। अभी जा रहा हूँ मैं स्विमिंग करने, इंडोर स्विमिंग। सनी डे है, बहुत नाइस है। दिन के अंदर बहुत बादल थे तो मैं देख रहा था यहाँ से बादल, क्योंकि पूरा व्यू आगे से दिख, तो यहाँ से मैं देख रहा था, यहाँ से पूरा व्यू आता है, सुभान अल्लाह। और ये जो सामने जिस तरह से बादल, और अभी ये पूरा क्लियर है, तकरीबन 2 घंटे पहले ये पूरा काला था। यहाँ पर सूरज बेचारा वहाँ पे कहीं पे जाके फंसा हुआ, वो देखें सूरज का शाइन अभी भी वहाँ पर है, लेकिन ये क्लोज में मुझे नहीं दिख रहा, पता नहीं क्यों नहीं है क्लोज में। लेकिन अगर दूसरी तरफ से देखें तो यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होगी लाइट, लेकिन यहाँ से क्या हो रहा था, फुल काले बादल। तो वो बहुत ही दूर किसी साइड पे ना पीछे एक लेयर थी पूरी जो शाइन कर रही थी सूरज की शाइन, तो बहुत प्यारा व्यू था, लेकिन पास का यहाँ का डरावना था। तो बीच आपको सबसे जो प्रायोरिटी होती है वो सन होता है, सन होगा तो आप बीच पे जाओगे बैठोगे, अदरवाइज हवा इतनी को ठंडी होती है और वो पानी देख देख के वैसी ठंड लग रही होती है। तो अभी जाना है, इंडो स्विमिंग करनी है, इंडो स्विमिंग करने के बाद सोना लेना है, स्टीम लेना है, थोड़ा सा आज मसल्स रिलैक्स करने हैं ताकि कल एक और टूर है बहुत मज़े का, बड़ा ज़बरदस्त किया है। तो कल उधर जाना है, उसके लिए फिर तैयारी पकड़नी है। तैयारी ये पकड़नी है कि बॉडी को रेस्ट दें तो बॉडी रेडी हो नेक्स्ट डे एक पूरी एफर्ट के लिए, वॉक के लिए, हर जगह घूमने के लिए। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में जान नहीं है तो ना वॉक होनी है, ना कोई गल होनी, ना कोई बात होनी, एनर्जी इज मस्ट। ये व्यू बहुत खूबसूरत है, अक्सर मैं यहाँ आता हूँ, बैठता हूँ 2 घंटे। ये साथ वाली जो बालकनीज में जितने लोग हैं उन्होंने, तो यहाँ पर तो हमारे पास चेयर्स है ना, उन्होंने चेयर सारी साइड पे की है और नीचे इन्होंने बेडिंग की है। मैं ट्राई करता हूँ अगर दिखाऊँ, किसी की प्राइवेसी दिखाते नहीं है। ये देखें यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा शायद, ये इन्होंने इस तरह से रखा हुआ है और यहाँ पर लेट के अच्छे से सन ले रहे हैं। और अगर मैं कैम लेके गया तो थोड़े स्विमिंग के शशके भी आपको दिखाते हैं। आजा 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 रे पाल मां, तेरा इंतजार था। जिम करके निकला हूँ और वो वहाँ पे रूम है मेरा, यहाँ पे बैठा हूँ। हाजी तो साहब नहीं आ रहा प्रॉपर ना, लातों वाकियातों सकनात बहुत ज़्यादा बदले हुए हैं थोड़ी देर। यार इस तरह का मौसम होना चाहिए इंग्लैंड में, आई थिंक 2 महीने या 3 महीने इस तरह का मौसम आता है, और उसमें भी किस टाइम बदल जाए, कितना बदल जाए, यार नो आइडिया। किसी भी टाइम चेंज होगा, फिर 4-4, 5-5 दिन सेम मौसम जाएगा, बादल होंगे काले, बारिश और मामलात ख़राब। तो बस अभी यहाँ बैठा हूँ, थोड़ा सा सांस ले रहा हूँ, इसके बाद खाना खाने जाऊँगा। करें वर्कआउट किया और 1 घंटा वर्कआउट किया, एक्चुअली मैं थोड़ा वर्कआउट कर रहा हूँ, ऑब्वियसली यहाँ पर छुट्टियाँ हॉलीडेज पे आए हैं तो मैं ना ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, दे नहीं पा रहा हूँ मतलब खुद ही नहीं दे रहा हूँ। तो आज ऐसे हुआ कि वो वर्कआउट के फ्लो में
अच्छा भला तकरीबन घंटा डेढ़ घंटा मुझे लग गया करते हुए ना वर्कआउट। बस अभी खाना खाऊंगा, खाना खाने के बाद आज कोई एक्टिविटी नहीं है, लेकिन अगले कंजक्टिवली जितने भी दिन हैं मेरे पास, संडे को आई थिंक वापसी होगी मेरी, तो हमारे पास पीछे 5 दिन हैं या 6 दिन हैं, तो अगले 4 दिन 5 दिन जितने भी हैं सारे दिन फुली बुक कर लिए हैं टूर्स और ट्रिप्स के लिए। आगे बहुत ज़बरदस्त ट्रिप जा रहे हैं, बोट ट्रिप और उसके अलावा थोड़े बहुत एक दो आइलैंड्स पे जाना है, दो जो हैं वाटरफॉल्स हैं वहाँ पर जाना है, तो इस तरह करके स्प्लिट किए हैं 5 डेज 4 डेज है ना सारे मतलब ट्रिप्स टूर्स के ऊपर। तो आपको साथ साथ मिलेंगे, साथ साथ देखेंगे क्या मामला चल रहे हैं, क्या हिसाब किताब चल रहे हैं। और यार अभी बोला भी नहीं जा रहा, टू बी ऑनेस्ट अभी बोला भी नहीं जा रहा, ऐसी हालत हुई या हो कुछ वर्कआउट के बाद हमेशा ही होता है, लेकिन मेरे साथ पहली बार नहीं हो रहा, इसी तरह होता है, लेकिन आज वो ना फ्लो के अंदर कुछ ज़्यादा ही जोर लगा लिया। तो अभी आपको थोड़ी देर में मिलते हैं, खाना खाने अभी मैं निकलने लगा हूँ, एंड मिलते हैं आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। प्यारा मंजर है, अच्छा ठंडा हुआ वह काम, सारा दिन जब धूप थी उस टाइम आए थी और इस टाइम आ गए। अभी ये सारा ये बनाएंगे, ये भी इन्होंने एक क्या बोलते हैं रैम्प टाइप रैम्प, सब होटल्स के अपने प्राइवेट बीच की अपनी रैम्प है, और मेरे को सारों की बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, प्यारा लग रहा है। अगर वो बना हो वो इतना प्यारा लग रहा है, अभी कम्प्लीट जब होगा इस पूरी रो के अंदर ये इसी तरह सीधा एयरपोर्ट जाता है, ये पूरे का पूरा ये जितना एरिया है ये सारे का सारा पोर्ट्स एरिया, जैसे हमारा एयरपोर्ट का एरिया होता है सारा, तो ये जो इटालिया मेन सिटी है ये उससे तकरीबन 1 घंटा दूर है। तो 2 या 3 दिन के बाद जो मैंने अपना एक टूर प्लान किया हुआ ट्रिप उसमें इटालिया सिटी जाना है, तो जब उनसे टाइम पूछा तो उन्होंने कहा 45 to 50 मिनट लगेंगे इटालिया सिटी में पहुँचने के, इट मीन्स मेन जो इंटर सिटी है वो इतना दूर है। तो ये समझे कि प्राइवेट और बड़ी लग्जोरियस जगह है, सारे होटल बहुत लग्जोरियस है, खूबसूरत है, मज़ेदार। पूरी रो के अंदर जो मेरा फेवरेट है वो मर्दान पैलेस है, जहाँ पे रेस 2 की शूटिंग हुई थी, आतिफ असलम का जो सॉन्ग है ना, क्या सॉन्ग था अभी मुझे सॉन्ग नहीं याद, याद आया, वो वाला सॉन्ग वहाँ पे शूट हुआ था। तो अगर अगला प्लान बनेगा तो मर्दान इटालिया का, तो मर्दान पैलेस का होगा, वरना इटालिया जाना ही नहीं, खत्म ब्रो। We'll be right back.
Everyone, you know, everyone says you Turkish, me Turkish. बहुत तूफान आया हुआ है इस टाइम, अल्लाह खैर करे। मौसम ख़राब है और कल टूर पे जाना है, अल्लाह करे सुबह पीसफुल हो।